नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के तहत चलाई जा रही हमारी विशेष मुहिम वादा वर्दी के तहत हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, अपने विगत अंकों के दौरान हम लोगों ने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी चर्चा को पूर्ण कर लिया था। उसी कड़ी में आज कुछ और नवीन प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो साथियों, देर ना करते हुए आइए अपनी आज की चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, आज की चर्चा का हमारा पहला प्रश्न जो है वो संबंधित है, वो प्रश्न संबंधित है संधि से। आइए प्रश्नों की चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। प्रश्न है हमारा, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विकल्प ए विसर्ग संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि या डी व्यंजन संधि। तो साथियों, यहां पर देखिए, इस पद को अगर हम लोग तोड़ दें तो ये पद हमारा स्वाधन छंद में टूट जाएगा, स्वाधन छंद में टूट जाएगा। और दोनों पदों को अगर हम देखें तो इस पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? साथियों, इस पद का अंतिम वर्ण होगा आ, और दूसरे पद का प्रारंभ किससे होगा? तो साथियों, दूसरे पद का प्रारंभ जो है वो हो जाएगा व्यंजन से। किससे हो जाएगा? व्यंजन से। और पहले पद का समापन जो हुआ साथियों, किससे हुआ? स्वर से। और साथियों, हम लोग जानते हैं कि स्वर के साथ यदि क्या आ जाता है? व्यंजन आ जाता है। तो वहां पर प्रयुक्त संधि साथियों कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है। साथियों, व्यंजन संधि होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प डी, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी चर्चा का दूसरा प्रश्न। साथियों, कह रहा है निम्न में से अंतस्थ व्यंजन की पहचान करिए। विकल्प ए का, बी चा, सी टा और डी या। तो साथियों, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या साथियों चार होती है, जो कि होते हैं या, रा, ला और वा। अगर आप देखें तो इनमें से विकल्प में हमारा विकल्प या उपस्थित है, जो कि है विकल्प डी में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा विकल्प डी, या। अगले प्रश्न को हम लोग देखें। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की बा ध्वनि है, यानी बा ध्वनि जो है इसका उच्चारण हिंदी में पूछा गया, इसका उच्चारण किस स्थान से होता है? विकल्प ए दंत ध्वनि, बी ओष्ठ ध्वनि, सी मूर्धन्य ध्वनि या डी तालव्य ध्वनि। तो साथियों देखिए, जब हम चर्चा करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे स्पर्शी वर्ण हैं, जो हमारे स्पर्शी वर्ण हैं, इन्हें वर्ग में बांटा गया है, जो कि कहलाते हैं का, चा, टा, ता और पा। इन पांच वर्गों में बांटा गया है। साथियों, जब हम चर्चा करते हैं बा की, तो बा हमें मिलता है पा वर्ग में। बा हमें कहाँ मिलता है? पा वर्ग में। और पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है साथियों, वो होता है ओष्ठ। वो क्या होता है? ओष्ठ। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ओष्ठ, यानी बी। बा जो है वो हमारी कैसी ध्वनि हो जाएगी? ओष्ठ ध्वनि हो जाएगी। अर्थात इसके उच्चारण में किसका प्रयोग होगा? ओठों का प्रयोग होगा। अगर हम चर्चा करें तो इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा, का जो है वो क्या होगी साथियों? का जो है वो कंठ ध्वनि होगी, चा जो है वो तालव्य ध्वनि होगी, टा जो है साथियों उसको बोलेंगे मूर्धन्य ध्वनि, और साथियों ता जो है, ता को हम लोग बोलेंगे दंत ध्वनि। तो इस प्रकार से इसके वर्ग जो होंगे वो निम्नलिखित अंगों के द्वारा उच्चारित होंगे। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न हमारा संबंधित है, निम्न में योग रूढ़ शब्द है, यानी शब्द रचना से संबंधित प्रश्न है। अब हमसे पूछा गया है कि योग रूढ़ शब्द की पहचान करनी है। विकल्प ए देखें, विकल्प ए नहर, बी तीर, सी पंचानन और डी जीव। तो अगर साथियों हम यहां पर योग रूढ़ की बात करें तो योग रूढ़ पद हमारा हो जाएगा विकल्प सी, विकल्प सी पंचानन, क्योंकि पंचानन जो होता है साथियों वो पर्यायवाची होता है शिव का। किसका होता है? शिव का। और योग रूढ़ पद क्या होते
करते हैं। तो साथियों, योग रूढ़ के बारे में हम सब जानते हैं। जान लीजिए, योग रूढ़ क्या होता है, जो दो रूढ़ पदों से मिलकर बने, दो रूढ़ पदों से मिलकर बने, से मिलकर बने, मिलकर बने। और साथियों, इसकी विशेषता क्या होगी, प्लस इसकी विशेषता होगी कि ये कैसा अर्थ दे। तो साथियों, इसकी विशेषता होगी कि ये कैसा अर्थ दे, तो ये कोई विशेष अर्थ दे। कैसा अर्थ दे, कोई विशेष अर्थ दे। अगर आप यहाँ पे बात करना चाहते हैं, देखिए पंचानन पद को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पद है पंच और दूसरा पद है आनन, ठीक है, दूसरा पद है आनन। इन दोनों को जब मिला देंगे तो ये पंचानन बनेगा और ये अर्थ कैसा देगा, ये अर्थ विशेष देगा, जिसका अर्थ हो जाएगा शिव। इस कारण से इस पद ये किस प्रकृति का हो जाएगा, ये पद जो है हमारा योग रूढ़ प्रकृति का हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रथ चालक का सामासिक विग्रह क्या होगा, सामासिक विग्रह क्या होगा। विकल्प ए चलाने वाला रथ, विकल्प बी रथ को चलने वाला, विकल्प सी रथ को चलाने वाला, और विकल्प डी रथ जो चलता है। तो साथियों, रथ चालक अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक पद है रथ और दूसरा पद है चालक, दूसरा पद है चालक। और अगर आप इसकी चर्चा करेंगे तो ये पढ़ेगा रथ को चलाने वाला, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी। यहां पर देखिए, यहां पर ये वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, जिस कारण से इस प्रश्न का आंसर बी ना होकर के क्या होगा, सी हो जाएगा। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और साथियों, हमारा अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है प्रत्यय रहित शब्द की पहचान करें, प्रत्यय रहित शब्द की पहचान करें। विकल्प ए मर्मज्ञ, विकल्प बी वैज्ञानिक, विकल्प सी कृपालु, और विकल्प डी अनुवाद। तो साथियों, यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो मर्मज्ञ है, यहाँ पर जो मर्मज्ञ है इसमें हमारा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वैज्ञानिक शब्द जो है इसमें भी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और कृपालु शब्द जो है ये भी प्रत्यय के साथ प्रयुक्त पद है। अगर हम बात करें अनुवाद की तो साथियों ध्यान रखिए, अनुवाद शब्द में अनु और वाद इन दो पदों का प्रयोग हुआ है। और अगर हम चर्चा करें तो सतियों या अनुपद जो होता है ये पद उपसर्ग का होता है, इसका होता है उपसर्ग का होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग करके पद का निर्माण हुआ है, ना कि प्रत्यय का। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी जो अनुवाद है ये उपसर्ग सहित पद का है, बल्कि इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। आपको तत्सम शब्द की क्या करनी है, पहचान करनी है। विकल्प ए सुहाग, विकल्प बी भाभी, विकल्प सी रीस, और विकल्प डी मनुष्य। तो साथियों, यहाँ पर फिर से तत्सम का मतलब हुआ संस्कृत, और संस्कृत का मतलब हुआ जिसमें स्वर रहित व्यंजन हो। और स्वर रहित व्यंजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पद हमें मिल रहा है विकल्प डी मनुष्य। तो ये मनुष्य का पद जो हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा तत्सम का पद जो होगा वो होगा विकल्प डी मनुष्य। हम अपने अगले प्रश्न की ओर यदि बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सा देशज है। विकल्प अहकल, ठीक है, पहला तो पद ही देखिए हमारी किसी प्रकार से भी इस प्रकार का कोई पद होता नहीं है। बी नीलाम, सी छैला, और डी ईनाम। तो साथियों, देशज का मतलब होता है ऐसा पद जिसकी उत्पत्ति देश में बोली जाने वाली किसी भाषा से हुई हो, देश में बोली जाने वाली किसी भाषा से हुई हो। तो साथियों, ऐसा पद हो जाएगा विकल्प सी छैला। छैला जो होगा वो देशज प्रकृति का पद हो जाएगा, और इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग पढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है।
ऐसी भाववाचक संज्ञा जिसका निर्माण क्रिया से हुआ हो। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो साथियों भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम लोग जानते हैं कि किसी पद में क्या करते हैं, प्रत्यय को जोड़ करके क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है क्रिया से बनने वाली, यानी भाववाचक संज्ञा जो है वो किस पद से बन रही हो, वो पद हो आपका क्रियापद हो। कौन सा पद हो? क्रियापद हो। विकल्प की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। विकल्प अगर देखें तो विकल्प है थकावट, बी बुराई, सी आलस्य और डी बुढ़ापा। तो साथियों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा बनेगी बुरा से, ये बनेगी आलस से, ये बनेगी आलस से और ये बनेगी बूढ़ा से और यहाँ पर ये पद बनेगा थकान से। किससे बनेगा? थकान या थकना से। किससे बनेगा? थकना से। और यहाँ पर साथियों क्रियापद की पहचान करनी है तो क्रिया की साथियों हमने आपको बेसिक मूलभूत पहचान बताई थी। किसी पद में क्रिया कब होगी? जब धातु के अंत में किसका प्रयोग हो जाएगा? ना प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। किसी धातु पद के अंत में किसका? अगर ना प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा तो साथियों ऐसा पद क्या कहलाएगा? वो क्रिया का पद कहलाएगा। अब अगर इनमें से आप देखें तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर थक में ना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, थक में ना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो थकना जो है वो हमारी कैसी हो गई? क्रियापद हो गई। अब ना को हटा करके आवट प्रत्यय लगा देंगे, ना को हटा के आवट प्रत्यय लगा देंगे तो यहाँ पर ये हमारा कैसा हो जाएगा? क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। यानी इस प्रश्न का आंसर हमारे होगा विकल्प ए थकावट जो है उसका निर्माण क्रियापद से हुआ है। उसका निर्माण किससे हुआ है? क्रियापद से हुआ है। और जो निर्मित पद है वो कैसा है? भाववाचक संज्ञा का है। अगला प्रश्न साथियों हमारा है, निम्न में से विशेषण शब्द बताना है। विकल्प ए लाघव, बी महत्व, सी लघुता और डी महत। तो साथियों यहां पर देखिए, इन सारे पदों की चर्चा करें तो ये पद में विशेषण के रूप में लघु महत और महत। अब यहां पर देखिए पद ही महत है, यहां पर क्या है? पद ही महत है। यानी विशेषण के रूप में किसका प्रयोग होगा? विशेषण के रूप में महत पद का प्रयोग होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा विकल्प डी होगा। ये सारे के सारे पद जो हैं वो विशेष के रूप में हो जाएंगे। किसके रूप में हो जाएंगे? विशेष के रूप। लघु का विशेष बनेगा लाघव, महत का विशेष महत्व और लघु के साथ एक दूसरा पद बनेगा लघुता। यानी ये विशेष होगा तो यानी ये भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर साथियों विशेषण का पद जो होगा वो होगा विकल्प डी महत। हमारा अगला प्रश्न है, अव्यय पद की पहचान करनी है। निम्न में से अव्यय पद है। विकल्प ए सीता, बी मोहन, डी गंगा और डी के बाद। तो अगर साथियों आप देखें तो यहाँ पर अव्यय पद के रूप में प्रयोग हुआ है विकल्प डी के बाद। बाकी के तीनों पद जो है साथियों, सीता, मोहन और गंगा, ये तीनों पद जो है ये संज्ञा के पद हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? संज्ञा के पद हो जाएंगे। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। हमारा अगला प्रश्न है, रंक और रंग शब्द युग्म का सही अर्थ है। साथियों यहां पर पूछ रहा है, यहां पर एक शब्द युग्म दिया हुआ है जो कि किसका है? समश्रुति भिन्नार्थक का है। साथियों यहां पे पहला पद जो है वो रंक है, लिख लीजिएगा, पहला पद जो है वो रंक है और दूसरा पद जो है रंग है। आप जानते हैं रंग का मतलब होता है वर्ण। और रंग की अगर बात करें तो साथियों रंग का अर्थ होता है भिखारी। तो साथियों इस प्रकार से हमारा सही शब्द युग्म अगर देखें तो पहला शब्द युग्म जो होगा भिखारी और वर्ण वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए।
अगले पृष्ठ की ओर यदि हम लोग बढ़े तो हमारा अगला पृष्ठ है, इनमें एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। उस अनेकार्थी जो पद नहीं है उसकी पहचान आपको करनी है। तो विकल्प देखते हैं, विकल्प ए कर, विकल्प बी वर्ण, विकल्प सी लज्जा और विकल्प डी अर्क। तो साथियों देखिए, अगर हम कर की बात करें तो साथियों कर के यहाँ पर एक से अधिक अर्थ आपको मिलते हैं। कर का एक अर्थ साथियों होता है हाथ, है कर का एक अर्थ होता है हाथ, कर का एक अर्थ होता है साथियों किरण, किरण का पर्यायवाची कर होता है, किरण का पर्यायवाची कर होता है। और अगर अन्यत्र बात करें तो साथियों कर, कर का एक अर्थ टैक्स भी होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं आय कर, सेवा कर, भूमि कर, तो टैक्स को भी हम लोग कर के रूप में जानते हैं। अगर साथियों हम वर्ण की चर्चा करें तो वर्ण का साथियों एक अर्थ होता है अक्षर, वर्ण का एक अर्थ होता है अक्षर। और साथियों अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण का साथियों एक अर्थ अभी हमने पीछे पढ़ा, एक अर्थ होता है रंग, वर्ण का एक अर्थ होता है रंग। ठीक है, तो यहां पर भी एक अर्थ कैसा हो गया साथियों, अनेकार्थी हो गया। अगर हम अर्क की बात करें तो साथियों अर्क का एक अर्थ होता है सूर्य, एक अर्थ होता है सूर्य। और अभी साथियों कोविड के दौरान आप लोगों ने कई बार इस पद का भी प्रयोग देखा किया होगा कि अर्क का एक अर्थ जिसको आप लोगों ने प्रयोग किया था, अर्क का एक अर्थ होता है काढ़ा, अर्क का एक अर्थ क्या होता है काढ़ा। तो यहां पर देखिए साथियों जितने भी पद है यहां पर प्रयुक्त, ये जो तीन पद है इन तीन पदों के एक से अधिक अर्थ मिल रहे हैं, इन तीन पदों के एक से अधिक अर्थ मिल रहे हैं, इस कारण से ये तीनों पद कैसे हो जाएंगे, अनेकार्थी हो जाएंगे। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कौन सा अनेकार्थी नहीं है, तो साथियों एक पद ऐसा जो है लज्जा, जिसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है शर्म, ठीक है हया, ठीक है शर्म या हया, ठीक है इसको हम लज्जा के नाम से जानते हैं, लज्जा के नाम से जानते हैं। तो यहां पर लज्जा का जो पद होगा वो अनेकार्थी नहीं होगा, अनेकार्थी नहीं होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। साथियों आपको क्या पहचानना है, आपको अशुद्ध शब्द पहचानना है। विकल्प ए दिया हुआ है शरदचंद, विकल्प बी यानी, विकल्प सी स्मृशु और विकल्प डी कवित्री। तो साथियों परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी यानी। साथियों देखिए यानी की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है, अगर हम बात करें इसकी शुद्ध वर्तनी तो इसकी शुद्ध वर्तनी होती है यानी, यानी यानी यहाँ पर लघु नहीं बल्कि दीर्घ ई का प्रयोग होता है, दीर्घ ई का प्रयोग होता है। और इस प्रश्न की शुद्ध वर्तनी यानी होती है, क्या बोलते हैं यानी होती है, यानी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। हमारा अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न फिर से संबंधित है, अगला प्रश्न हमारा साथियों लिंग से संबंधित है। पूछ रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। विकल्प ए विदुषी, विकल्प बी छात्रा, सी पड़ोसी और डी शिष्या। तो साथियों ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा विकल्प सी पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोसी का अगर हम देखें, अगर हम इसकी पहचान करना चाहें तो हमने बताया था कि लिंग की पहचान करने का साथियों सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या होता है कि हम उसका क्या करते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं वाक्य प्रयोग करते हैं। अब अगर इस लिंग शब्द में हमारा कौन सा शब्द दिया है, हमारा शब्द दिया हुआ है पड़ोसी, कौन सा दिया है पड़ोसी। अब इसके साथ अगर हम एक सर्वनाम का प्रयोग करें और यहां सर्वनाम के रूप में अगर हम लिख दें तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे मेरा पड़ोसी, क्या लिखेंगे मेरा पड़ोसी, ठीक है यही तो पद होगा। बताइए क्या आप बोल सकते हैं मेरी पड़ोसी या मेरे पड़ोसी, मेरे तो बोल ही सकते हैं, ठीक है क्या बोल सकते हो, मेरी पड़ोसी कभी बोल सकते हैं, मेरी पड़ोसी नहीं बोल सकते, हम क्या बोलते हैं मेरा पड़ोसी है, मेरा पड़ोसी है। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा यहां पर ये रा का पद जो होता है संबंधवाचक, संबंध कारक विभक्ति के रूप में, रा का पद जो है वो किस रूप में प्रयोग होता है पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है, किसके रूप में प्रयोग होता है पुल्लिंग, यानी मेरा का जो पद है, मेरा का जो पद है वो कैसा होगा साथियों पुल्लिंग का होगा। तो जिस पद के साथ ये प्रयोग होगा साथियों, जिस पद के साथ ये प्रयोग होगा उस पद का लिंग भी क्या होगा, उस पद का लिंग भी पुल्लिंग ही होगा, क्या होगा
पुल्लिंग ही होगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस प्रश्न का सही आंसर पुल्लिंग पूछ रहा है, अगर पुल्लिंग पूछ रहा है तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, पड़ोसी। साथियों बाकी विकल्प देखें तो विदुषी जो होता है इसका पुल्लिंग होता है विद्वान, विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग कहलाता है विदुषी। साथियों छात्र का स्त्रीलिंग होता है छात्रा और शिष्य का स्त्रीलिंग होता है शिष्या। तो इन तीनों के पुल्लिंग भी मैंने आपको सामने लिख दिए, इनके भी पुल्लिंग आपके सामने लिख दिए। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, आपको एक वचन का पद पहचानना है। एक वचन का पद मतलब जिसका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। तो इसके विकल्प देखते हैं, विकल्प ए प्राण, बी दर्शन, सी ऊंट और डी तेल। ठीक है, तो अगर हम आंसर देखेंगे तो साथियों इस प्रश्न का आंसर होगा हमारा विकल्प डी। बाकी के जो तीनों पद हैं साथियों याद कर लीजिएगा, इन तीनों पदों का प्रयोग किस रूप में होता है, बहुवचन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, बहुवचन के रूप में होता है। ठीक है साथियों, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वो संबंधित है काल से, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से अपूर्ण भूतकाल की पहचान कीजिए। साथियों आपसे निवेदन है कि आप इस प्रश्न को पढ़ें, आशा करता हूं कि आपने इस प्रश्न के विकल्पों को पढ़ लिया होगा। आइए एक बार हमारे साथ इसके विकल्पों को देखते हैं। इसका पहला विकल्प कह रहा है रामू खाना खा रहा था, विकल्प बी माँ खाना बना चुकी थी, विकल्प सी मुझे बाहर जाना है और विकल्प डी हम घूमने जाएंगे। साथियों अगर हम चर्चा करें तो हमसे पूछ रहा है अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल की अगर हम बात करें तो भूतकाल के रूप में किसका, भूतकाल की हम देखें भूतकाल के रूप में अगर पद देखें तो था थी थे का पद प्रयोग होता है। अगर हम विकल्प को देखते हैं, विकल्प को देखते हैं तो यहाँ पर एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें था थी मिल रहा है, वो है विकल्प ए। वो कौन सा है, विकल्प ए। तो इस प्रश्न आंसर हमारा होगा विकल्प ए, रामू खाना खा रहा था। साथियों अब अगर बात रही अपूर्ण भूतकाल की तो हमने बताया था काल में, काल के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है सहायक क्रिया की, किसकी होती है सहायक क्रिया की। और साथियों अगर हम सहायक क्रिया की बात करें तो अपूर्ण भूतकाल की, अपूर्ण भूतकाल की सहायक क्रिया जो होती है साथियों वो होती है रहा था, रहा था, रही थी, रही थी और रहे थे, रही थी और रहे थे। ये तीन किसकी, ये साथियों ये जो होती है ये अपूर्ण भूतकाल की क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर रहा था का पद प्रयोग हो रहा था, इसी कारण से इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। अगले प्रश्न की ओर साथियों हम लोग बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो वाच्य से संबंधित है, कह रहा है पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। विकल्प ए कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य या डी क्रियावाच्य। तो साथियों वाच्य आप लोगों को मालूम है वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, तो चौथा तो विकल्प ही यहां से हट जाएगा। हमारे परीक्षा में कुछ ऐसे विद्वान भाई भी होते हैं जो परीक्षा कक्ष में जाते हैं और अपने आंसर के रूप में क्रियावाच्य को लगा करके आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा हमारा जो भी, हमारी जो भी प्रतियोगिता है, हमारी जो भी प्रतिस्पर्धा है वो ऐसे लोगों के साथ नहीं है जो परीक्षा में डी विकल्प के रूप में क्रियावाच्य का चयन करे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा परीक्षा में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं। हाँ अगर अब हम अपने प्रश्न को बढ़ाएं तो प्रश्न को देखें तो पुस्तक पढ़ी जाती है, यहां पर देखिए यहां पर क्रिया, क्रिया के रूप में जाती है का पद प्रयोग हुआ है और ये क्या पढ़ी जाती है तो इसका यह पद है पुस्तक। अगर जाती है तो यह पद कैसा हो गया, स्त्रीलिंग का हो गया, किसका हो गया स्त्रीलिंग, और जो जिसके लिए क्रिया प्रयोग हुई है वो पद भी कैसा होगा स्त्रीलिंग का होगा, यानी ये दोनों पद स्त्रीलिंग के हो गए। अब साथियों हमें क्या करना है, हमें अगर वाच्य को चेक करना है तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि लिंग का परिवर्तन कर देते हैं, लिंग का परिवर्तन कर देते हैं। अगर यहाँ पर पुस्तक की जगह हम पुल्लिंग का पद ले आए, अगर पुस्तक की जगह हम क्या करें पुल्लिंग का पद ले आए और क्रिया, क्रिया में यदि परिवर्तन हो जाए, क्रिया में यदि परिवर्तन हो जाए तो साथियों यहां पर, यहां पर प्रयुक्त वाच्य की हम पहचान कर सकते हैं।
क्रिया की पहचान। अब देखिए यहाँ पर क्रियाकर्मक है कि सकर्मक, तो साथियों क्रिया से हम पहचानेंगे, पहले तो ये देखेंगे क्रियाकर्मक है कि सकर्मक। तो यहाँ पर देखिए साथियों, अगर यहाँ पर क्रिया से हम लोग अकर्मक और सकर्मक की पहचान करना चाहते हैं तो क्या का प्रश्न करेंगे, क्या पढ़ी जाती है, तो आंसर मिलता है पुस्तक, यानी ये पद कैसा हो गया, ये पद कर्म का हो गया। अब ये पद कर्म का हो गया, अब यहाँ पर हम इस कर्म की जगह पुल्लिंग का यदि पद लाए, अब अगर इस पुस्तक की जगह हम पत्र कर दे तो साथियों देखिए पत्र को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर पत्र भी हो जाएगा, पत्र पढ़ी नहीं बल्कि पढ़ा जाता है, क्या हो जाएगा, पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर ये क्रिया का पद हो जाएगा पढ़ा जाता है, क्रिया का पद हो जाएगा पढ़ा जाता है, और ये पढ़ा जाता का पद कैसा हो जाएगा, पुल्लिंग का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पत्र का पद कैसा है, पुल्लिंग का है। तो यहाँ पर देखिए कर्म का लिंग परिवर्तन करने पर, यहाँ पर पत्र या कर्म पुस्तक कैसा है, कर्म का पद है, हम क्या बोल रहे हैं, कर्म का लिंग परिवर्तन करने पर क्रिया का लिंग भी परिवर्तित हो रहा है, क्रिया का लिंग भी परिवर्तित हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर हमारा वाच्य कैसा हो जाएगा साथियों, हो जाएगा विकल्प बी कर्म वाच्य, कैसा हो जाएगा, कर्म वाच्य का ये वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिया का लिंग जो है वो किस पर आधारित है, कर्म पर आधारित है। अगले प्रश्न की ओर साथियों हम लोग बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि पहचानी है, ठीक है, इस वाक्य में आपको त्रुटि पहचानी है, किस खंड में त्रुटि दी हुई है, विकल्प ए मुझे कल, विकल्प बी 2 किलो, विकल्प सी लीची खरीदने हैं, विकल्प डी कोई त्रुटि नहीं। साथियों अगर हम इस वाक्य को पढ़ेंगे तो आप पढ़ने में ही आप इस वाक्य में देखिए वर्तनी पहचान सकते हैं, मुझे कल 2 किलो लीची, अब यहां क्या होगा, खरीदने ना होकर के क्या हो जाएगा, खरीदनी हो जाएगा, यानी अशुद्धि कहां मिली, अशुद्धि यही मिली, यहां पर पद होना चाहिए था खरीदनी है, उसकी जगह क्या है, उसकी जगह खरीदने हैं, तो साथियों यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इस पद में अशुद्धि हो जाएगी, वो पद हमारा होगा विकल्प सी का, यानी लीची खरीदने हैं, ये पद हमारा कैसा हो जाएगा, अशुद्ध पद हो जाएगा, प्रश्न का आंसर होगा विकल्प सी। हमारा अगला प्रश्न है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, विकल्प ए, इसमें से विकल्प ए बी सी और डी 4 पद दिए हुए हैं साथियों, अगर हम देखें तो विस्मयादि बोधक चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है विकल्प ए का, विकल्प ए का, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि मन के भावों को प्रदर्शित करता है, मन के भावों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होता है। साथियों अगर हम बात करें तो विकल्प बी, इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं उद्धरण चिन्ह, लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें विकल्प सी की तो साथियों हर कोई जानता है ये कहलाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये कहलाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। और साथियों अगर हम बात करें, इसकी तो साथियों इसे हम बोलते हैं हंस पद, साथियों कई बार परीक्षा में इसको पूछा गया है हंस पद, ठीक है, या दूसरे पदों में हम इसे बोल सकते हैं त्रुटि बोधक का मतलब, यानी त्रुटि का मतलब होता है गलती और बोधक का मतलब होता है जानकारी देने वाला, यानी गलती की जानकारी या गलती का बोध कराने वाला चिन्ह, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, त्रुटि बोधक या हंस पद के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा विकल्प ए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा लोकोक्ति से संबंधित, होनहार विद्वान के होत चीखने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, विकल्प ए होनहार बालक सुंदर होता है, विकल्प बी सुंदर बालक होनहार होता है, विकल्प सी होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं, और विकल्प डी होनहार बालक सुंदर नहीं होता। तो साथियों हर कोई जानता है, हम लोगों ने बहुधा घरों में भी इस लोकोक्ति का प्रयोग हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा होते हुए कई बार सुना होगा कि होनहार विद्वान के होत चीखने पात, यानी जो तेजस्वी या होनहार बालक होता है उसके गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न भी साथ हमारा इसी से संबंधित है, लोकोक्ति से संबंधित है, कह रहा है ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति क्या है। साथियों पिछली लोकोक्ति में लोकोक्ति देकर के अर्थ पूछ रहा था, इस प्रश्न में अर्थ देकर के संबंधित लोकोक्ति के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका ठीक विकल्प अगर हम देखें तो विकल्प ए है तेल देखो तेल की धार देखो, विकल्प बी दूल्हे को पत्तल नहीं बजाने के को
को थाल, ठीक है, विकल्प सी दूध का दूध पानी का पानी, और विकल्प डी तू डाल डाल मैं पात पात। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ठीक ठाक न्याय होना। हम लोग अक्सर कहते भी हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, यानी जो जो असलियत थी, असलियत को हम न्याय बोल सकते हैं, जो असलियत थी वो सामने आ जाना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा ठीक ठाक न्याय हो जाने के लिए विकल्प सी दूध का दूध पानी का पानी हो जाना। अगले प्रश्न की ओर साथियों हम लोग बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है वृहदाकार एवं श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ना होकर के साथियों इस पद को ठीक कर लीजिएगा, यहां पर होगा श्रेष्ठ। वृहदाकार एवं श्रेष्ठ रचनाओं का जो सार गद्य या पद्य में प्रस्तुत किया जाता है वह क्या कहलाता है। साथियों ये गद्य साहित्य से संबंधित प्रश्न है। विकल्प ए सारानुवाद, बी छायानुवाद, डी व्याख्यानुवाद और सी व्याख्यानुवाद और डी शब्दानुवाद, डी शब्दानुवाद। तो साथियों इस प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो इस प्रश्न को अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो आप इस प्रश्न के आंसर को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है वृहदा कार एवं श्रेष्ठ रचनाओं का जो क्या पूछ रहा है, सार गद्य या पद्य में प्रस्तुत किया जाता है। सार जो प्रस्तुत किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो सार जो प्रस्तुत किया जाता है साथियों इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प ए सारानुवाद। सारानुवाद के नाम से जानते हैं जो किसी भी श्रेष्ठ रचना का सार तत्व को क्या करता है, सार तत्व को प्रस्तुत करता है, चाहे वो गद्य की हो अथवा पद्य की हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। विकल्प ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी या डी पहाड़ी हिंदी। तो साथियों ध्यान रखिएगा कन्नौजी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। साथियों आपसे प्रश्न आज का है हमारा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं, बोली जाने वाली बोलियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं। पक्का? तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को विकल्प में, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि आपकी उपस्थिति को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प बी कन्नौजी हिंदी। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है। विकल्प ए मुंशी सदा सुखलाल, विकल्प बी सदल मिश्र, विकल्प सी लल्लू लाल और विकल्प डी राम प्रसाद निरंजनी। तो साथियों ध्यान रखिएगा प्रेम सागर जो है वो लल्लू लाल की प्रमुख रचना है। साथियों यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ऊपर के जो ये तीन हमारे हैं ये तीन मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र और लल्लू लाल, ये तीनों, इन तीनों की खड़ी बोली गद्य में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खड़ी बोली गद्य गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यानी खड़ी बोली गद्य के विकास में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हीं में से एक है लल्लू लाल, जिनकी पुस्तक का नाम साथियों क्या है प्रेम सागर है। तो इस प्रकार से साथियों आज के हमारे सत्र के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी चर्चा को हमने आपके साथ पूर्ण किया, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये सत्र आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और आप भी घर में रह करके जो आगामी परीक्षा है उसकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई भी कसर नहीं रख रहे होंगे। साथियों निश्चित ही मानिए कि अगर आप अपनी पूरी मनोभावों के साथ, पूरी एक ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी में संलग्न हैं तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। आपकी उस सफलता में हम भी अपना कुछ महत्वपूर्ण योगदान देते हुए आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथियों संवाद के इस सिलसिले को यूं ही हम जारी रखेंगे। इस वादे के साथ अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। आप सभी को जय हिंद।